सांप का थीम बन रहा है। इस सांपों की नगरी, सांपों की दुनिया, एकदम सांपों के बीच में मैं खड़ा हूँ। ये ओरिजिनल ईटा, सीमेंट, बालू, ईंट से इस मंडप को बनाया जा रहा है। आप लोग सांप देखने मिलेंगे, सांप। और ये देखिए, सांप को, डमी सांप को यहाँ पे बनाया गया है। पीछे जो अभी आप लोग एक भूत का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मतलब भी थर्मोकोल से किया जा रहा है, पूरा पूरी भूतिया, पूरा पूरी भूतिया मंडप को। तो चलिए, काचड़ापाड़ा का एक ऐसा पूजा मंडप थीम आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाइएगा। बता दूं, सांप का थीम बन रहा है इस मंडप में। एक से एक आप लोगों को सांप दिखाया जाएगा, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से जो कि डमी सांप होता है वो बनाया जा रहा है। पहले आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, आप लोगों ने ऐसा बहुत मंडप देखा होगा जो कि बांस के स्ट्रक्चर पर खड़ा होता है, प्लाईवुड से, और भी बहुत ऐसे थीम देखे होंगे। लेकिन ये जो मंडप आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये जो थीम दिखाने जा रहा हूँ, जो कि 2024 साल माँ दुर्गा का आराधना के लिए बनाया जा रहा है। और बता दूं, बांस का तो स्ट्रक्चर इसमें देखने मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ थर्मोकोल 16 का भी डिजाइन और कलाकारी करके इस मंडप को पूरा पूरी सजाया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं, ओरिजिनल ईटा, सीमेंट, बालू, ईंट से इस मंडप को बनाए जा रहे हैं, आप लोग सीधा सीधा देख पा रहे हैं। साथ ही साथ बता दूं, जो क्लब इस बार ये थीम बना रही है, उस क्लब का नाम है, ठीक बाग मोड़ के पास यह क्लब स्थित है। बता दूं आप लोगों को, काचड़ापाड़ा बाग मोड़ के पास 53 क्लब है, ठीक इसी 53 क्लब के तरफ से 2024 साल का माँ दुर्गा का आराधना के लिए इस थीम को बनाया जा रहा है। आप लोगों को बता दूं, पीछे जो अभी आप लोग एक भूत का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मतलब जिस टाइप से इसको बनाया गया है, हालांकि ये भूत ही समझ में आ रहा है। बाकी बात, जब ये पंडाल पूरा पूरी बनकर कंप्लीट होगा, लाइट का जब इफेक्ट पड़ेगा, तभी जाकर समझ में आएगा कि आखिर इस थीम का ओरिजिनल लुक क्या है। साथ ही साथ और भी थोड़ा मैं आप लोगों को इस मंडप के भीतर प्रवेश करूंगा और दिखाना चाहूंगा, माँ दुर्गा जहां पर विराजमान होंगी, ठीक अभी तो पूरा पूरी ये अंधकार है, यहाँ पर लाइटिंग नहीं है। बोलूंगा, इस मंडप के भीतर का जो काम है पूरा पूरी थर्मोकोल से किया जा रहा है, पूरा पूरी भूतिया, पूरा पूरी भूतिया मंडप को लुक देने का काम किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पर सीधा सीधा देख रहे हैं, माँ का जो बेदी है वो ओरिजिनल ईंट और सीमेंट वालू से बनाया गया है। चलिए चलिए, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक इसी मंडप से निकल कर मैं आप लोगों को सीधा ले चलता हूँ जहां पर जो कारीगर है वो लोग काम कर रहे हैं और एक से एक डमी सांप बना रहे हैं। सांप दिखाना कैसे भूल सकता हूं आप लोगों को। चलिए सीधा सीधा में आप लोग देख पा रहे हैं जो मंडप बनाया जा रहा है काचड़ापाड़ा बाग मोड़ के पास, ठीक इस मंडप में आप लोगों को बहुत सारे सांप देखने मिलेंगे, सांप। और ये देखिए, सांप को, डमी सांप को यहाँ पे बनाया गया है। बोला जाता है ना कि वेस्ट बंगाल में कलाकारी का अंत नहीं है भैया, थर्मोकोल का यूज करके देखिए ये सांप का मुंह बनाया गया है। मुझे तो बहुत अत्याधुनिक और आश्चर्यचकित कर देने वाला लग रहा है। अब आप लोग सोच लीजिए, जब ये मंडप पूरा पूरी बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर नाइट में जब लाइटिंग का इफेक्ट पड़ेगा तो बड़ा ही अत्याधुनिक देखने में लगेगा। तो आप लोग सभी लोग एक्साइटेड हो जाइए, मैं तो पूरा एक्साइटेड हो गया हूँ। सांपों की नगरी, सांपों की दुनिया, एकदम सांपों के बीच में मैं खड़ा हूं। ये सांप अंदर में लोहा का स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसके ऊपर थर्माकोल से सांप के फेस का, मुंह का आकार दिया गया है, आप लोग सीधा सीधा देख पा रहे हैं। चलिए अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, वेस्ट बंगाल में हर एक प्रांत, हर एक राज्य का मैं अपडेट दे रहा हूँ, कहाँ पर दुर्गा पूजा के उत्सव पर क्या क्या पंडाल बन रहा है, वैसे ही काचड़ापाड़ा सिटी में बैक टू बैक आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब ठीक इस पूजा मंडप से हम लोग विदा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। काचड़ापाड़ा में और एक से एक पूजा मंडप बनाए जा रहे हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए।